कास्ट सेंसस आपने क्यों नहीं किया अभी तो हमारा सरकार ने बिहार में कास्ट सेंसस करवाया कास्ट सेंसस में तो कोई मना नहीं है लेकिन कास्ट सेंसस खाली हिंदू में नहीं होना चाहिए मेरा जो स्ट्रॉग वॉइस है जैसे आसम में वी हैव ए मुस्लिम कम्युनिटी नाउ दे आर डिमांडिंग कास्ट सेंसस कि हमारा कास्ट का सेंसस करो एक असमीज मुस्लिम कम्युनिटीज है हमें ये नहीं मानना चाहिए कि खाली कास्टिजिम हिंदू में है कास्टिजी मुसलमान में भी है तो योर कास्ट सेंसस शुड नॉट डायरेक्टेड टू डिवाइड हिंदू इट शुड बी डन जेन्युनली और सारे कास्ट का बीच में कास्ट सेंसस करो क्रिश्चियन में कास्ट नहीं है कोई बैप्टिस्ट मानते है कोई कैथोलिक मानते हैं ये कास्ट का खाली कास्ट इसी से नहीं होता है एनी सेग्रीगेशन विद इन द कम्युनिटी मीन्स देर इज अ कास्ट एंड क्लास तो आपको अगर कास्ट सेंसस करना है बिकॉज हिंदू है सेगमेंटेशन हमारा डिविजन पुरानी दिनों से है कि हम ये कम्युनिटी आप ये कम्युनिटी आप बेशक करिए हिंदू में सेंसस बट एक साथ आप मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी में जी कीजिए बिकॉज वहां में भी डिप्राइव लोग होते हैं उनका भी न्याय के बारे में सोच इकोनॉमिक वो, सो, वो क्लास इकोनॉमी नहीं है वो क्लास नहीं है हमारा भी जो कास्ट का जो फाउंडेशन था वो भी इकोनॉमिक ही था धीरे धीरे वो एक अलग रूप ले लिया लेकिन मुसलमान समाज में भी जो कास्ट है अभी प्रधानमंत्री जी पसवाना मुसलमान का बात बोलते हैं हमारा यहां में अभी मैं बराग वैली में से आया बराग वैली का मुसलमान में एक फिशरमैन कम्युनिटी है किरेन कम्युनिटी है तालुकदार कम्युनिटी है दे आर नॉट इकोनॉमिक डिविजन दे आर कास्ट इवन मस्जिद का इमाम भी एक अगर उनका कम्युनिटी का आप पकड़ ले कि दे आर फ्रॉम ए डिप्राइव कम्युनिटी उनका कम्युनिटी का इमाम भी बड़े कम्युनिटी का मस्जिद में इमामती नहीं कर सकता है आसाम में ही उसका उदाहरण है देयर इज ए कास्ट इन एवरी रिलीजियन और एवरी स्टार्टा बट जो हिंदू को डिवाइड करना चाहते है खाली हिंदू का कास्टिजिम फोकस करते हैं लेकिन मुसलमान या बाकी रिलीजन का अंदर जो कास्टिजिम कास्ट है दे डू नॉट वॉन्ट टू रिकोग्नाइज दैट तो मेरा यह मानना है आई आई एम नॉट एस्पाउजिंग माई पार्टीज व्यू पॉइंट मेरा यह मानना है कि कास्ट सेंसस में कोई मना नहीं है लेकिन इट शुड इंक्लूसिव इट शुड इंक्लूड एवरी बॉडी इट शुड नॉट बी टारगेटेड टू टार्गेटेड ओनली इन हिंदू कि हिंदू को डिवाइड करो इट शुड योर पर्प टूड बी जनवरी आप कह रहे हैं कि आप मुसलमान को भी डिवाइड करेंगे क्योंकि आप, राहुल अगर अगर डिवाइड करना है तो सबको करो नहीं तो सबको यूनाइट करो तो आप यूनाइट करेंगे हम तो को हिंदुओं के साथ तो पूरा आप तो कहते में हमें चुनाव ही नहीं इतना नहीं पहले मेरा बात है मुसलमानों को यूनाइटेड करो उसमें कोई बड़ा और उसा निशा नहीं होना चाहिए हमारा भी नहीं होना चाहिए अगर हर कम्युनिटी में कोई कास्टिजिम नहीं रहता है दैट इज ए आइडियल वन और उसमें तो हमारा तो आसाम इज ए कास्टलेस सोसाइटी एंड वी एंजॉय दैट तो हमारा तो कोई इश्यू ही नहीं है आपका इश्यू सी और एनआरसी है नहीं हमारा इश्यू देखिए आसाम का आइडेंटिटी हमारा इश्यू है हमारा जो आसाम का मूल निवासी या भारत का जो मूल निवासियों है दे शुड नॉट बिकम माइनोरिटी सिंपल मुद्दा है वो हमारा इश्यू ऑफ आइडेंटिटी है इसमें कोई रिलीजन नहीं आते हैं हमें यही जानता हूं कि भाई मूल निवासियों से आसाम को आप मत छीनो तो इतना ही छोटा हमारा डिमांड है मैं भी कहते हैं कि आप जब कांग्रेस में थे तो आप पर भी चार्जेस मेरा फिर भी, भी चार्जेस था मैं मना क्यों कर रहा हूँ और मैं बढ़िया से सीबीआई ने मुझको नोटिस दिया मैं सीबीआई का पास चला गया आप बीजेपी में यही नहीं, नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ बीजेपी में ज्वाइन किया 2015 अगस्त में एंड कोर्ट हैज गिवन मी क्लीन सीट इन 2014 दिसंबर मैं बीजेपी को किसी को जानते भी नहीं था जब कोर्ट से मुझको क्लीन सीट मिला तो ये बात आप लोग का जो चैनल में आते हैं बार बार भूल कर देता है और जब मैं कोर्ट का नोटिस देता हूं तब तो चुपचाप हो जाते हैं नहीं पर ये विपक्ष आप पर ही लगाता वो वही प्रॉब्लम है ना विपक्ष का कोई स्टडी नहीं है विपक्ष का कोई एनालिसिस नहीं है और आप थोड़ा जोर के पूछो तो भाई उनका ऊपर क्या आरोप है वो भी बता नहीं पाएगा खाली बोलेगा ओ भाई बताओ तो मैं तो हमेशा हर कॉन्क्लेव में जाता हूं विपक्ष का साथ आप हमें बैठा भी देते हैं मैं तो पूछता हूं भाई मेरा ऊपर क्या है बताओ और मैं आपको भी पूछता हूं मेरा ऊपर क्या है बताओ चार्ज चार्ज अरविंद केजरीवाल भी पूछ रहे थे कि उनके ऊपर क्या है बताओ अरे लेकिन समन, नहीं, पे, नहीं, समन, देखे, समन देखे, पे, पे समन जब मेरा ऊपर एक समन आया था पहले समन में मैं सलाह गया था मैंने ऐसे घुमाया नहीं 2014 मेरा ऊपर आया मैं बरिया में कलकत्ता गया मैंने बोला देखो मेरा क्या है बताओ उन्होंने पूरा से सात घंटा पूछताछ किया तब मैं कांग्रेस का मेंबर था फिर दिसंबर 14 2014 मुझको क्लीन सीट दिया मैं क्लीन सीट लेके सोनिया गांधी का पास गया कि मैडम ये मेरा क्लीन सीट है अभी आप आसाम को ठीक करो तो उनने बोला तुम तो क्लीन सीट मिला है लेकिन ऊपर का भी कोड है थोड़ा इंतजार करो मैं बोला ठीक है आप इंतजार करो मुझको इंतजार करना तो नहीं है मेरा कितना बयास उम्र तो रहेगा नहीं मुझको आगे बढ़ना है <प्थाँगा> तो विथ अ क्लीन सीट आई फास्ट वेन टू सोनिया गांधी प्लेस आई डिड नॉट वेन टू ए आई सी सी बीजेपी हेडक्वार्टर तो इसीलिए मेरा बारे में जो लोग बोलते हैं उनको थोड़ा सा डिस्टिंक्शन रखना चाहिए तो सोनिया गांधी जी के पास आप गए और उसके बाद आप राहुल गांधी जी के भी पास गए। मैं नहीं गया राहुल गांधी जी का पास वो तो उस दौरान 2011 से हमारा प्रॉब्लम शुरू हुआ उन उस दौरान उनसे मीटिंग मटंग होते रहा लेकिन जो दिन सोनिया गांधी ने मुझको बोला कि भाई मैं आपको मदद नहीं कर पाता हूं बिकॉज ऑफ माय कंपल्शन तब तो मैंने अपना रास्ता ले लिया इसीलिए देखिए मेरा इश्यू में ना कांग्रेस मुझको कुछ बोल सकता है ना मैं कांग्रेस के लिए आंसरेबल है मैं तो पहले कांग्रेस का प्रेसिडेंट का पास गया एंड कभी मैं आपको पूरा डेटा लिस्ट दे दूंगा जो आपका स्टूडियो में कि आके ओपोजिशन ऐसे ऐसे कोई कोई स्पोक्स पर्सन बोलत, बोलते रहता है उनको थोड़ा आप डेट दे दी दीजिए कि ये डेट से हम वो सब नहीं है, हम लोग को क्या करना है तो सोनिया जी ने क्या राहुल गांधी जी को बताया नहीं होगा कि आपको मिला है सोनिया टू बी फेयर टू हर सोनिया ने राहुल को बताया था कि हिमन का पास बात करो उनका क्लीन सीट भी है सारे कुछ है और देखिए वो क्लीन सीट से कोई सवाल भी नहीं था वो तो ऐसे एक दिन बुलाने वाला मेरा ऊपर कोई इंजाम ही नहीं था तो वो वो सब अलग बात है बट ही डज एडवाइज राहुल गांधी की सी डाज डी डू राहुल गांधी की इसको मिला लो लेकिन राहुल तो बहुत एक्सपर्ट है ना उनको वो अपना जगह तो अभी जानते है वो अपना माँ को भी ना, नहीं मानते है किसी को नहीं मानते माँ की बात नहीं मान नहीं मानते है।, है।, है वो तो आप नटोवार सिंह का तो बायोग्राफी आप खुद देखा है आपने खुद पढ़ा है उनको माँ को वो एकदम नहीं मानते है वो तो मैं जीता जागता एक एग्जाम्पल हूँ आपने कभी ये नोटिस किया नोटिस ने, ने मुझको डायरेक्ट बोला कि देखो हिमन मेरा कंपल्शन है आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू आप थोड़ा राहुल से रिश्ता बनाओ मैं बोला भाई मैं आपसे आपका साथ मैं क्लोज हूं या आई कैन कम एंड मीट यू फिर ये क्या चक्कर है तो ये राहुल माँ को बात नहीं मानते हैं सोनिया राहुल से डरते हैं ये प्यों? का घर का जो बच्चा किसी का काम में नहीं होता है घर में आके हल्ला गुल्ला करके टेबल वेबल तोड़ देता है उनको तो सब डरता है घर में आपने देखा है टेबल वेबल तोड़ते हुए टेबल वेबल तोड़ना मैंने पढ़ा हूँ नटोवर सिंह का बुक्स में लेकिन माँ को नहीं मानना वो मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ तो ये एक अद्भुत ये है मतलब लेकिन Character वो कास्ट सेंसस की बात करते हैं मैं आप इतना जानते हैं मैं आप ही का, आप ही ही का का एक स्टेटमेंट भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो आपने कहा था वो आपको सुनवाना चाहती हूँ अगर वो बॉडी डबल नहीं है तो दिखाना चाहिए था लोगों को भाई ये बॉडी डबल नहीं है क्यों नहीं दिखाया गौरव दो मेरा पता भी नहीं है इसलिए मेरा माइंड ही ये सब में नहीं था तो अभी बोल रहे नहीं हिमंत विश्व शर्मा ने क्यों नहीं दिखाया अरे हम तो नहीं दिखाया था कि मेरा आपका लीडर को डिफेम करवाने का मन नहीं था आप खुद ही हो डिफेम होना है होते रहो तब मेरा क्या आपत्ति तो गौरव गोगोई को टिकट नहीं मिला तो इसलिए गौरव गोगोई ने राहुल गांधी को डिफेम करवाने के लिए मुझको वेपन बनाया ठीक है चलो एक दिन के लिए मैं भी यूज हो गया मैं जानबूझ के यूज हो रहा हूं कांग्रेस का इंटरनल पॉलिटिक्स में आप जानबूझकर यूज हो रहे थे आपको ये बॉडी डबल का आरोप कहां से आया? देखे, आपके देखे, पास देखे, कुछ हा, हा, मैंने खुलासा किया जब राहुल गांधी आए तो मुझको लोगों ने बोल रहे लगा कि राहुल गांधी क्रिकेट खेल रहे तो मेरा डाउट हुआ भाई उनको तो पहले कोई आगे में तो कोई क्रिकेट में रुचि है ये तो हमको खबर नहीं मिला है फिर आगे जाके सारा एसपीज लोग को मुझको बताने रहा लगा कि ये कर रहे है वो कर रहे है थोड़ा सा मुझको थोड़ा सा लगा आपने जासूस छोड़ नहीं मैंने मुझको जो बताया था ना एक तो रिपोर्ट आते ही है कि राहुल गांधी प्लेड क्रिकेट इन माजुली तो ये रिपोर्ट तो इवनिंग आते ही जो हमारा रिपोर्ट कलेक्ट होता है जो सिट्रेब होता है वह जाते हैं तो मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन एक नेशनल टीवी ने एक फोटो पब्लिश किया कि इज इट राहुल गांधी इज ही यूजिंग बॉडी डबल तब मेरा ध्यान गया मैंने तब बताया कि थोड़ा देखो क्या है दो आदमी है क्या फिर वी लोकेटेड द पर्सन कि राहुल गांधी का एंटोरेज में ही भोपाल का एक व्यक्ति साथ में आते थे आए है फ्रॉम मणिपुर टू गुवाहाटी हिम जब ये बात निकाला सोशल मीडिया इजी यूजिंग बॉडी डबल तब तो उनका क्या जिम्मेदारी था कि भाई मेरा कोई बॉडी डबल नहीं है ये मेरा लुक अलाइक है हो गया बीन रिजॉल्व। वो क्या किया नेक्स्ट दिन ही वो व्यक्ति को बाई फ्लाइट दिल्ली भेजा और रात से ही वो ट्रेन से भोपाल पहुंच गया तो मेरा क्वेश्चन यही है कि पिक्सर तो हमारा पास है अब बास का सामने वही बॉडी डबल हाथ हिला रहा था माजुली का भी मेरा पिक्सर है कि क्रिकेट वाज एक्चुअली प्लेइंग बाय डेट बॉडी डबल नाउ वी कैन डिस्टिंग्विश द बोथ द फोटोग्राफ तो आपको क्लरिफाई कर देना चाहिए था कि ये मेरा लुक अलाइक -like है बट आसाम में उनको बॉडी डबल का हिसाब में यूज किया गया जब कंट्रोवर्सी हुआ रात को ही सुबह सुबह ऑफ़ फ्लाइट में सला गया तो मैंने ये डेटा प्रेस में रखा और कांग्रेस तो कोई मुस्कु को डिस्प्यूट करने का साहस भी नहीं किया कि ये नहीं है और मैंने बोला मैं व्यक्ति का नाम ने ने, ने लेना नहीं लेना चाहता हूं लेकिन आपको चाहिए तो इफ यू पुस्ट मी आई टेक हिज नेम ऑल्सो नाम बताए थे नहीं, वही है ना उन्होंने नहीं किया। भोपाल में रहने वाला है और आई गेव हिज एंटेर टोर प्रोग्राम टू द मीडिया कौन दिन आया कहा रुका आई गेव ए vivid डिटेल्स ये मैंने विविध डिटेल्स दिया तो ये बॉडी डबल था क्यों? देखिए, राहुल मुस्कु जो बताया गया है वो एक बहुत बड़ा बास है अंदर में कॉन्फ्रेंस रूम का फैसिलिटीज है तो राहुल जब कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाते हैं एक बहुत बड़ा बासेस है उसमें काफी टेक्नोलॉजी है मिक्सर वगैरह सब आते हैं पीछे जो दस लोग होते भी उसको एम्प्लीफाई कर देते हैं सौ लोगों का एक पूरा टीम आते हैं जो टीवी का प्रोडक्शन टीम होता है सेकेंड बासेस में वो एकदम प्रोडक्शन टीम रहते हैं तो बासेस बास में जब वो कॉन्फ्रेंस वगैरह करने जाते हैं या रेस लेने जाते हैं टू बी फेयर लोग तो खड़ा होते हैं कोई ना कोई इतना काफिला है देन दे यूज द बॉडी डबल टू वेव द क्राउड एंड वी हैव द फोटोग्राफ्स ऑफ दैट ऑल्सो तो ये कंफर्म पुख्ता खबर है आपकी एजेंसीज की नहीं एजेंसीज का नहीं ये एक नेशनल टीवी का पोर्टल ने इसको सलाया मैंने 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 इसको री एफार्म किया लेटर ऑन वी हैव ऑल्सो डिस्टिंग फोटोग्राफ दो कैरेक्टर था राहुल क्रिकेट नहीं खेला था या राहुल इस समय वेव नहीं किया था दिस इज अ डिफरेंट जेंटलमैन आपको लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री ने बार बार उन पर एक तंस कसा है कि लॉन्च री लॉन्च री लॉन्च क्या होता है कांग्रेस में बेसिकली लोग होते हैं हर समय कुछ फॉर्मूला लेके जाते हैं कि राहुल जी आप ऐसा करो और माँ को भी जाके बोलता है उससे ऐसा कराओ उनका इमेज बढ़ जाएगा तो इसीलिए कभी सुनाव का पहले आप ऑक्सफोर्ड सलाह जाते हो कभी सुनाव का पहले आप न्याय यात्रा में चला जाते हो कभी सुनाव का पहले आप मंदिर में जाते हो एक आप मंदिर जाने वाला हिंदू बन जाते हो हर सुनाव का पहले उनको लॉन्च किया जाता है कोई ना कोई एक रूप से और लेकिन ठीक है लॉन्च फेल हो जाता है तो आप फिर रिलॉन्च होते हैं एक ही प्रोडक्ट को आप लॉन्च रिलॉन्च कांग्रेस को तो मैंने देखा हूं फ्रॉम 2014 यही गेम चलता हुआ है कि राहुल को लॉन्च करो एक लॉन्च फेल हो गया तो रिलॉन्च करो ये भी कहते हैं कि आप जब कांग्रेस में थे तो आप पर भी चार्जेस मेरा फिर भी चार्जेस था मैं मना क्यों कर रहा हूँ मैं बढ़िया से सीबीआई ने मुझको नोटिस दिया मैं सीबीआई का पास चला गया आप बीजेपी में आए तब से नहीं यही मैं बार बार बोलता हूँ बीजेपी में ज्वाइन किया 2015 अगस्त में एंड कोर्ट हैज गिवन मी क्लीन सीट इन 2014 दिसंबर मैं बीजेपी को किसी को जानते भी नहीं था जब कोर्ट से मुझको क्लीन सीट मिला तो ये बात आप लोग का जो चैनल में आते हैं बार बार भूल कर देता है और जब मैं कोर्ट का नोटिस देता हूँ तब तो चुपचाप हो जाते हैं नहीं पर ये विपक्ष आप पर ही लगाता वो, है। वही वो प्रॉब्लम है ना विपक्ष का कोई स्टडी नहीं है विपक्ष का कोई एनालिसिस नहीं है और आप थोड़ा जोर के पूछो तो भाई उनका ऊपर क्या आरोप है वो भी बता नहीं पाएगा खाली बोलेगा ओ भाई बताओ तो मैं तो हमेशा हर कॉन्क्लेव में जाता हूं विपक्ष का साथ आप हमें बैठा भी देते हैं मैं तो पूछता हूं भाई मेरा ऊपर क्या है बताओ और मैं आपको भी पूछता हूं मेरा ऊपर क्या सार्ज है बताओ चार्ज चार्ज अरविंद केजरीवाल भी पूछ रहे थे कि उनके ऊपर क्या है बताओ लेकिन समन ने, ने, पे समन देखे, समन देखे, पे समन जब मेरा ऊपर एक समन आया था पहले समन में मैं चला गया था नाइन सामन मैंने ऐसे घुमाया नहीं 2014 मेरा ऊपर सामन आया मैं बरिया में कलकत्ता गया मैंने बोला देखो मेरा क्या है बताओ उन्हें मुझको पूरा से सात घंटा पूछता हूं क्या तब मैं कांग्रेस का मेंबर था फिर दिसंबर 14 2014 मुझको क्लीन सीट दिया मैं क्लीन सीट लेके सोनिया गांधी का पास गया कि मैडम ये मेरा क्लीन सीट है अभी आप आसाम को ठीक करो तो उनने बोला तुम तो क्लीन सीट मिला है लेकिन ऊपर का भी कोड है थोड़ा इंतजार करो मैं बोला ठीक है आप इंतजार करो मुझको इंतजार करना तो नहीं है मेरा कितना बयास उमर तो रहेगा नहीं मुझको आगे बढ़ना है तो विथ द क्लीन सीट आई फास्ट वेन टू सोनिया गांधी प्लेस आई डिड नॉट वेन टू ए आईसी बीजेपी हेडक्वार्टर तो इसीलिए मेरा बारे में जो लोग बोलते हैं उनको थोड़ा सा डिस्टिंक्शन रखना चाहिए तो सोनिया गांधी जी के पास आप गए और उसके बाद आप राहुल गांधी जी के भी पास गए। मैं नहीं गया राहुल गांधी जी का पास वो तो उस दौरान 2011 से हमारा प्रॉब्लम शुरू हुआ उन उस दौरान उनसे मीटिंग मटांग होते रहा लेकिन जो दिन सोनिया गांधी ने मुझको बोला कि भाई मैं आपको मदद नहीं कर पाता हूं बिकॉज ऑफ माय कंपल्शन तब तो मैंने अपना रास्ता ले लिया इसीलिए देखिए मेरा इश्यू में ना कांग्रेस मुझको कुछ बोल सकता है ना मैं कांग्रेस के लिए आंसरेबल है मैं तो पहले कांग्रेस का प्रेसिडेंट का पास गया एंड कभी मैं आपको पूरा डेटा लिस्ट दे दूंगा जो आपका स्टूडियो में कि आके ओपोजिशन ऐसे ऐसे कोई कोई स्पोक्स पर्सन बोलत, बोलते रहता है उनको थोड़ा आप डेट दे दीजिए कि ये डेट से इसलिए हम वो सब नहीं हम लोग को क्या करना है तो सोनिया जी ने क्या राहुल गांधी जी को बताया नहीं होगा कि आपको चिट मिला है सोनिया टू बी फेयर टू हर सोनिया ने राहुल को बताया था कि हिमन का पास बात करो उनका क्लीन सीट भी है सारे कुछ है और देखिए वो क्लीन सीट से कोई सवाल भी नहीं था वो तो ऐसे एक दिन बुलाने वाला मेरा ऊपर कोई इंजाम ही नहीं था तो वो वो सब अलग बात है बट ही राहुल गांधी सी दि एडवाइस टू राहुल गांधी कि इसको मिला लो लेकिन राहुल तो बहुत एक्सपर्ट है ना, उनको वो अपना जगह तो भी जानते हैं, वो अपना माँ को भी ना, नहीं मानते किसी को नहीं मानते माँ की बात नहीं मानते नहीं मानते है।, है।, है वो तो आप नटोवार सिंह का तो बायोग्राफी आप खुद देखा है आपने खुद पढ़ा है उनको माँ को एकदम नहीं मानते है वो तो मैं जीता जागता एक एग्जाम्पल हूँ आपने कभी ये नोटिस किया नोटिस ने मुझको डायरेक्ट बोला कि देखो हिमन मेरा कंपल्शन है आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू आप थोड़ा राहुल से रिश्ता बनाओ मैं बोला भाई मैं आपसे आपका साथ मैं क्लोज हूं या आई कैन कम एंड मीट यू फिर ये क्या चक्कर है तो ये राहुल माँ को बात नहीं मानते हैं सोनिया राहुल से डरते हैं ये क्यों? का घर का जो बच्चा किसी का काम में नहीं होता है घर में आके हल्ला गुल्ला करके टेबल एबल तोड़ देता है उनको तो सब डरता है घर में आपने देखा है टेबल वेबल तोड़ते हुए टेबल एबल तोड़ना मैंने पढ़ा हूँ नटवर सिंह का बुक्स में लेकिन माँ को नहीं मानना वो मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ तो ये एक अद्भुत ये है मतलब लेकिन वो जो खास सेंसर्स की बात करते हैं सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ क्योंकि ट्विटर पर जब हमने सवाल मंगाए तो जनता ने क्या पूछा कुणाल किशोर का ट्विटर पर सवाल है ये जो ईडी सीबीआई जैसे प्रशासनिक विभाग हैं, क्या ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही समन भेजती है ऐसा क्यों? अंजनी कुमार राय का गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सवाल है कांग्रेस को वोट देकर फायदा नहीं जीत भी जाएगा तो बीजेपी में आ जाएगा इस बयान से क्या आप लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया को कहीं न कहीं सवाल नहीं उठा देखिए बात ऐसा है ईडी और सीबीआई का नोटिस रूलिंग पार्टी में भी आ जाता था अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते थे नरेंद्र मोदी जी ऐसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे सलाहता है किसी को करप्शन करने का सोच भी नहीं सकता है अगर विपक्ष में भी सोनिया गांधी राहुल गांधी इतना स्ट्रिक कर देते हैं जैसे मोदी जी करते हैं विपक्ष में भी ईडी और सीबीआई का नोटिस नहीं जाएगा लेकिन आप कर्नाटक तेलंगाना जैसा प्रदेश को अगर आप एटीएम बनाएगा कोई दिन ना कोई दिन तो ईडी सीबीआई का नोटिस जाएगा ही जाएगा आप कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई भी स्टेट एटीएम नहीं हो, है होना ही नहीं पड़ेगा तो इतने पैसे आपके पास कहां से आते हैं कहां, कहां से, आते हैं इतने पैसा वो एक आपने सुपरलेटिव लगा दिया हमारे जो कार्यकर्ता भी असम में मेरा जो चुनाव होगा हमारा कार्यकर्ता लोग ही संभाल देगा उसके लिए मैं किसी से पैसा मांगने का जरूरत नहीं है इसलिए मोदी जी आसाम को इतना पैसा दिया है हमें और क्या चाहिए सबका अकाउंट में पैसा भरा हुआ है हर महीना अरुण उदय जमा होते हैं हर साल किसक सम्मान निधि जमा होते हैं आपको सुनाओ कर एक्स्ट्रा कुछ पैसा लेना तो नहीं है तो फिर इलेक्ट्रोरल बॉन्ड में 6000 करोड़ से ज्यादा क्यों तो, आया? वो तो तो, तो आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड में लोग तो चेक काट के दिए हैं। कोई तो काला रुपया तो नहीं दिया है लेकिन लोगों का कहना है कि ये एक्सटोर्शन डिपार्टमेंट है रेड करो फिर उस उसी कंपनी से अकाउंट में ले लो मतलब इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड विदाउट डोनेशन आप इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है कि 90 लाख रुपीस हर एमपी कैंडिडेट का पास होना चाहिए दे हैव द स्पेंडिंग लिमिट ऑफ 90 लाख वो 90 लाख रुपीस पार्टी तो भेजेगा कैंडिडेट्स को अगर चुनाव में बिजनेस कम्युनिटी थ्रो चेक या मेरा भी मन है यू वन प्योरिटी ऑफ डेमोक्रेसी आप अगर चेक में डोनेट करने का रास्ता नहीं होते हैं तो देश में ब्लैक मनी आएगा वन शुड सी द स्पीचेस ऑफ लेट अरुण जेटली अरुण जेटली जी ने क्या बोला था कि आप चुनाव प्रक्रिया में व्हाइट मनी आने दीजिए अगर व्हाइट मनी आते हैं तो काला धन अपने आप सला जाएगा मैं पूछना चाहती हूँ आप पर आरोप लगता है कि दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को आपने इसी दौर में यानी कि लोकसभा चुनाव एक चुनाव अनाउंसमेंट से पहले हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया क्या? उन्होंने इस्तीफा दे दिया और दूसरा मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बाद अरविंद केजरीवाल को कल अरेस्ट किया गया है मैं पूछना चाहती हूं कि सचमुच जो आरोप लग रहा है कि मोदी जी केजरीवाल जी से डरे हुए हैं ये सही है देखिए अगर आपका पास एक नोटिस आते हैं, दो आते हैं तीन आते हैं नाइन नोटिस होते हैं, लेकिन आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने नहीं जाते हैं जब मोदी जी प्रधान मुख्यमंत्री था गुजरात का मुख्यमंत्री मोदी जी का उस समय एस फॉर्म हुआ मोदी जी को नोटिस दिया गया एस को सामने आने के लिए मोदी जी वेंट एंड मोदी जी अपियर बिफोर द एस आपको दृश्य भी मालूम अभी भी इट इज इन द यू कैन रिकॉलेक्ट दोज विजुअल्स। अमित शाह जी का ऊपर नोटिस आया अमित शाह जी नोटिस को रेस्पेक्ट किया कोर्ट ने बोला कि आप गुजरात मत जाओ ही हैज नॉट गन नाउ ये जो दोनों सीएम का एक बातें है कि आपको ईडी हो सीबीआई हो एनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अगर आपको नोटिस देते हैं और आप विपासना में सला जाते हैं तो व्हाट विल बी द लॉजिकल कंक्लूजन और एक बात कम से कम भारत में एक अभी प्रतिष्ठा हो गया कि करप्शन करेगा तो सीएम का भी कोई एग्जेपन नहीं है फ्रॉम एरे सो वी आर ऑन नोटिस नाउ मैं आपसे एक रैपिड फायर सवाल का राउंड करना चाहती हूँ फेवरेट पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी ये कहना जरूरी होता है ना बीजेपी वालों के लिए नहीं आप अगर पूछते थे कि मोदी जी को छोड़ के बोलो तब मैं दूसरा अच्छा, मोदी जी को छोड़ के बोलिए फेवरेट पॉलिटिशियन अमित शाह अमित शाह और मोदी जी को छोड़कर बोलिए फेवरेट पॉलिटिशियन अमित शाह और मोदी जी को छोड़ के अरुण हाँ। जेटली जी अभी नहीं है बट आई आई एम ए फैन ऑफ हिम अच्छा फेवरेट ऑपोजिशन लीडर फेवरेट ऑपोजिशन लीडर अगर आप उसको पूछते हैं तो मैं अभी बहुत दिन अपोजिशन वाला का स्पीच नहीं देखा है बट एज आई हैव रेट इन रेड मैं जॉर्ज फर्नांडेस को काफी पढ़ा हूं एंड आई पुड ही प्रेजेंट प्रेजेंट डे प्रेजेंट में है क्या देश में अपोजिशन <laughs> बोलते ही नहीं वॉकआउट ही करते हैं आप हाउ यू विल विस अपोजिशन लीडर इफ दे स्पीक हैव यू हार्ड ए गुड स्पीच फ्रॉम एनी ऑपोजिशन लीडर इन द लास्ट फाइव स्पीच दी थी राहुल गांधी कहा की दुकान। वो जो जो प्रधानमंत्री जी का पास गए थे वो वाला स्पीच वो जो छोड़ <laughs> दीजिए बोलना भी ठीक नहीं है लेकिन अच्छा आ, जी राहुल गांधी जी इनमें कुछ चॉइस कर सकते हैं नहीं देखिए ओवेसी जितना भी गलत है वो तो बोलने का कोशिश करता है विद आर्गुमेंट। सो इफ यू मी टू गिव पॉइंट बिटवीन ओएसी एंड राहुल तो मुझको लगता है कि राहुल शुद्ध मतलब वो ओएसी का कॉस को एस्पाउस करता है विदाउट स्टडिंग। तो ओवेसी उनसे बेटर है उनका नजर में बेटर होगा आपका नजर में पूछ रहे हैं देखिए मैं क्यों पढ़ू इस विषय में ओएसी और राहुल आप बोलिए मेरा फेवरेट टीवी एंकर, अच्छा, एंकर कौन है अच्छा टीवी एंकर कौन है कुमार बोल तो जिसके सामने बैठे <laughs> <laughs> तो फेवरेट एक्टर हमारा जमाना का जो एक्टर है उसमें आई लाइक अनिल कपूर अनिल कपूर ओके आ, और फेवरेट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित अरे वाह तो मैं वो जमाने में जब मैं फिल्म देखता था एक पर्सनल सवाल पूछूं आपसे कहा जाता है कि आप जब कॉलेज में थे तो आपने Uh, अपनी पत्नी को जो आज आपकी पत्नी उन्हें कहा था कि एक दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा नहीं नहीं उसका इश्यू ऐसा था सी सी लिटिल कम्स फ्रॉम ए फैमिली थोड़ा थोड़ा हम लोगों से वो समय सा आप जो बोल रहे इकोनॉमी के लिए और अदरवाइज सी यूज टू कम फ्रॉम ए डिफरेंट बैकग्राउंड मेरा बैकग्राउंड सीधा साधा था तो वी वेर इन कोर्ट सी फॉर टेन शादी नहीं हो रहा था किसलिए मेरा बड़ा भाई का शादी नहीं हो रहा था तो मैं थोड़ा स्लो जाना ठीक था हर दिन उनका माँ डिस्टर्ब करते थे तो मैं एक दिन इसको बुला रहे। माँ को बोलो ना यू आर यू आर गोइंग टू मैरी फ्यूचर चीफ मिनिस्टर लेकिन आपको पता था ये बात कभी सही होगी देखिए मन में तो था कि बनूंगा एक दिन लेकिन बन जाएगा वो विश्वास नहीं था उनको था उनको नहीं था <laughs> आसाम से बाहर आपका क्या रोल रहेगा इसके बारे में कभी सोचा आसाम का बाहर फिलहाल चुनाव प्रसार में जाना है हर जगह में और जो जो स्टेट में मुझको जिम्मेदारी देगा वहां जाना पड़ेगा यूनियन गवर्नमेंट अभी नहीं सही है बिकॉज आसाम में पर्सनली बहुत हैप्पी हूं जो मैं दो साल काम आसाम में किया हूं एंड आसाम इज इन ए ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं वो ट्रांसफॉर्मेशन को इतनेस कर पाता हूँ साक्षी बन सकता हूँ ये एक व्यक्ति का एक जीवन में बहुत बड़ा उपलब्धि होगा बट डिसाइड पार्टी करते हैं लेकिन मेरा मन है कि 2026 तक बढ़िया से मैं इसको सलाऊं, छब्बीस का बात सुना होगा फिर आगे होगा बट आई थिंक दैट मैं अगर पांच साल यहां में काम करने का सुविधा मिल जाता हूं विद द ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीबॉडी आसाम को एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हम लोग सब देख पाऊंगा हम लोग साक्षी बनेगा लोकसभा लोकसभा में कितनी सीटें नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ आसाम और में, पच्चीस में पच्चीस में बार सीट चौर, मेरा, लग, मेरा लगता है कि एज ए एनडीए हम लोग पच्चीस से बाईस सीटें मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव विल गेट ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एज एनडीए और आसाम में सोलह सीट है ग्यारह तो मैं पक्का जीतूंगा वो तो पिछली बार भी जीते नहीं नौ 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 तो ग्यारह सीट तो हम पक्का जीतूंगा बाकी और दो सीट में प्रयास रहेगा बड़ी बात कह रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा लेडीज एंड जेंटलमैन आपके सामने आसाम के मुख्यमंत्री बेबाक तरीके से आप जिस तरह से बात करते हैं दिल की भी बात करते हैं और मजे भी लेते हैं ने, ने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और असम में आकर गुवाहाटी में आकर आपसे आपके साथ पब्लिक पंच करने के लिए बहुत बहुत आपने गुवाहाटी आया टाइम्स नाउ जैसा नवभारत टाइम्स जैसा चैनल गुवाहाटी में आया ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य है नविका जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आसाम वासियों का और से